नमस्कार दोस्तों, मैं ईशल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ 2021 बैच। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है निखिल का, जो कि है ट्रिपल ई ब्रांच के। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इनके सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर करने हैं अपने इंटरव्यू में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने चैनल के बारे में एक चीज बता दूं, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल दिए हैं दोस्तों कॉग्निजेंट के, जो कि आप देख सकते हो। दोस्तों, आज मैंने सुबह एक राहुल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाला है, और मेरे अकॉर्डिंग सबसे स्मार्टली राहुल ने जो आंसर किया, जो मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट इंटरव्यू लगा है, वो राहुल का ही लगा है। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने आंसर किए हैं, ईसीई के थे, और इन्होंने कैसे पूरा अपना इंटरव्यू अपनी साइट कर लिया है दोस्तों ड्राइव। दोस्तों, एक और बात, मैंने एक जॉब रिक्रूटमेंट भी डाला है टेक महिंद्रा का, तो इसको भी जरूर देखिएगा, अगर आप इसमें भी जरूर अपना अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक एंड टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों टेक एंड टारगेट को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले इनके इंटरव्यू में दोस्तों एक ही इंटरव्यूअर था। हमने दोस्तों बहुत सारे इंटरव्यू देखे पहले कॉग्निजेंट के, जिसमें मेनली दो इंटरव्यूअर थे, और इस बार दो ही हो रहे हैं, बट इनके केस में एक था। और दोस्तों, आपके केस में भी एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, दोस्तों मैक्सिमम तीन हो सकते हैं जो पहले देखा गया है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी टाइम स्लॉट ऐसा हो जाता है आपके टाइम पे दो लोग फ्री हैं, तीन लोग फ्री हैं, बट हाँ दोस्तों एक तो जरूर होगा ही होगा। दो या तीन हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछते हैं, और बट तीन या दो होते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी बस इसलिए पड़ जाती है अगर कोई सामने वाला बंदा एक इंटरव्यूअर भूल जाता है या फिर पॉइंट आउट करना रह जाता है तो दूसरा वाला पॉइंट आउट कर सकता है। दोस्तों, इनका इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ चला है 25 मिनट्स का, मीन्स बहुत छोटा इंटरव्यू है। इस पूरी लास्ट तक देखिएगा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और बहुत ही अच्छा दोस्तों इनका इंटरव्यू हुआ है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने चार ऑटोमेटा और एप्टीट्यूड के 70-80% क्वेश्चंस किए थे, राइट। चार ऑटोमेटा दोस्तों बहुत ज्यादा हो गया, ऑटोमेटा ऑलरेडी 70% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था पूरा का पूरा राउंड वन के क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, अगर आपने तीन या चार ऑटोमेटा के क्वेश्चन किए तो आप जेएनसी के लिए तो सिलेक्ट होने वाले हो। और दोस्तों, ये भी निखिल भी जेएनसी के लिए सिलेक्ट हो गए थे इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, पहला इनका क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इन्होंने दोस्तों अपनी ब्रांच के बारे में बताया, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने सीएस की साइड पे इतना ड्राइव नहीं किया कि सर मुझे, मतलब इतना ज्यादा नहीं बोला, मिनिमम बोला, और इनका बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों, एक बात और, अगर आपका अभी तक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ प्रिपेयर नहीं है, इंट्रोडक्शन में आप अभी भी कंफ्यूज होगी कैसे बोलना है और क्या बोलना है, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए, इसमें आपको पता चलने वाला है कि कैसे आप पूरा का पूरा इंटरव्यू ड्राइव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप नॉन सीएस स्टूडेंट हो तो प्लीज यार, आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो देखना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हो ना, क्योंकि आपको आईटी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप इंटरव्यू में चाहते हो कि इंटरव्यूअर हमारी फील्ड से क्वेश्चन पूछे। तो यार, इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि आपको कैसे बोलना है, कितना बोलना है, और कहां कहां आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में उन्होंने प्रोजेक्ट थोड़ा बोला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जब भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो दोस्तों ध्यान रखिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, वो है क्या, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज किए, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आई है तो प्लीज उसको मेंशन कीजिए, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया। सो उसको अगर आप मेंशन करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप अपनी मिस्टेक से सीखे कैसे हो आगे। दोस्तों, नेक्स्ट था व्हाट इज रिवर्स पोलैरिटी। अब दोस्तों इनसे इनकी ब्रांच के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। दोस्तों, नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किए थे अपनी ब्रांच के क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट था व्हाट इज एडी करेंट। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप अपनी ब्रांच के हो तो प्लीज ब्रांच को भी, ये नहीं है कि आईटी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आईटी आईटी के क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं भाई, अगर आप मैकेनिकल के हो, ईसीई के हो, ट्रिपल ई के हो, तो प्लीज अपनी ब्रांच को भी ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर एक बात और बता दूं, लास्ट कुछ इंटरव्यूज में ईसीई के डाल रहा हूं या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों मानोगे नहीं, बहुत ज्यादा कॉमन है, मीन्स जो ईसीई में पूछे जा रहे हैं। मेरा खुद मन कर रहा है कि एक वीडियो अलग से बना दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने देखे ट्रिपल ई या ईसीई में उनकी ब्रांच से ही पूछे जा रहे हैं। तो भाई प्लीज अपनी ब्रांच को लेकर इतना
सीरियस रही है, ब्रांच को लेकर सीरियस रही है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है डीबीएमएस से, व्हाट इज डीडीएल एंड डीएमएल कमांड। सो जो मैंने पहले ही बताया था, सीएसके हो या नॉन सीएसके, ऊप्स हो गया, डीबीएमएस हो गया, सीक्वल हो गया, हर किसी से पूछा जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेएनसी इंटरव्यू, दोस्तों एक ये क्या दोस्तों, जिसमें मैंने सीएस और नॉन सीएस स्टूडेंट के लिए इसमें मैंने सबसे पहले ऊप्स और डीबीएमएस इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर आप सीएसके और नॉन सीएसके लेट इट बी आपसे पूछी ही पूछे जाने वाली है ऊप्स कंसेप्ट एज वेल एज डीबीएमएस दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही ईजी था, डीडीएल और डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की आपको डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स बतानी थी और उनका फंक्शन क्या हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों प्रोग्रामिंग, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर। दोस्तों आपको कोई नंबर दे रखा है, आपको ये पता करना है भाई वो इवन नंबर है या नहीं। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन मैं नहीं देख सकता दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं करना। एक आपको इनपुट लेना है नंबर एन, सपोज करो एन इनपुट ले रहे हो, एन को चेक करना है वो इवन है ऑड है, सिंपल है। इफ लगाओ ब्रैकेट में एन मॉड टू, इफ इक्वल टू जीरो देन इट इज एन इवन नंबर, एल्स इट इज नॉट एन इवन नंबर। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फॉर लूप चलाइए पीछे से और प्रिंट और या फिर दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करते जाइए, या फिर अगर आपको उसी समय स्ट्रिंग में प्रिंट करनी है तो उसको प्रिंट करते रहिए, बहुत ही इजी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट था टेल मी सम न्यू टेक्नोलॉजीज, आपको न्यू टेक्नोलॉजीज अगर कुछ भी आती है, लेट इट बी लाइक आईओटी आती है, एआई एमएल के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज बताइए, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू चाहता है कि यार बंदे को एटलीस्ट आइडिया हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एमएल, मशीन लर्निंग होती क्या है। तो आप इन सब चीजों से रेफर या फिर आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था एप्टीट्यूड क्वेश्चन ऑन परसेंटेज, परसेंटेज पर दोस्तों एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन था, और मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि कितने ज्यादा एप्टीट्यूड क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। इस वीडियो की तो मैंने हेडिंग ही बता रखी है, आर यू प्रिपेयर्ड विद एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल क्वेश्चंस। हाँ दोस्तों कॉग्निजेंट में बहुत सारे एप्टीट्यूड और लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा नहीं है कि आपने राउंड वन में एप्टीट्यूड कर लिया अब एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाएगा। इनका कुछ मेन रीजन ये भी हो सकता है एप्टीट्यूड पूछने का कि आपकी जो जो आपकी अबिलिटी है, एप्टीट्यूड अबिलिटी है, थिंकिंग अबिलिटी है, वो चेक करने के लिए, क्वांटिटेटिव अबिलिटी को चेक करने के लिए, तो प्लीज उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिए और आंसर कीजिए। ऐसा नहीं है राउंड वन में एप्टीट्यूड दे दी तो एप्टीट्यूड नहीं होगा। तो दोस्तों इनका इंटरव्यू यहां तक ओवर होता है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कीजिए। और दोस्तों एक और बात, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत सारे डेली जॉब अपडेट्स मिलेंगे वहां, और आपको मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी वहां शेयर करता रहूंगा, तो दोस्तों उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए। तो दोस्तों जब तक के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।